संभल के। गुंजन, ऐसा लगता है अभी बस कुछ दिन पहले ही तुम पैदा हुई थी। हम खुशी से पागल हुए जा रहे थे। हमेशा पर्दे के पीछे जाकर छुपना और हम ढूंढने का नाटक करते। कहाँ है गुंजन? कभी तुम छोटी सी बात पर रो देती, हम मनाते, पुचकारते और इसी हंसने हंसाने खेलने खिलाने में पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी हो गई गुंजन। देखो पापा। हाय। और फिर अचानक एक दिन तुम साल भर की हो गई। हाय, गुड गर्ल। ये ये। हैप्पी बर्थडे। तुम चल रही थी और देखते देखते भाग रही थी। और मुझे पापा माली काका को अपने साथ भगा रही थी। और ऐसा वो हर यादगार मौका, तुम्हारी हंसी, वो रूठना, वो जिद, वो लड़ाई, वो ढेरों सवाल, वो जोक्स, मैंने सब के सब इस कैमरे में कैद कर लिए हैं ताकि तुम्हारा बचपन मेरे पास रहे। और आज भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कुछ। गुंजन, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इतने साल कैसे फुर्र करके चले गए पता ही नहीं चला। और अब हमें एक नहीं दो दो के पीछे भागना होगा। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलवाओगी ना उस किस्मत वाले से। फिर जब मेरी गुंजन 23 साल की होगी तब वो दुल्हन बनेगी। और उस वक्त के लिए मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, कपड़े, ज्वेलरी और न जाने क्या क्या। कमाल है, वक्त आया नहीं कि बीत जाता है। हमें लगता है कि अभी टाइम है लेकिन टाइम बहुत बड़ा चोर है, चुपके से खिसक जाता है। लेकिन गुंजन, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ मैं तुम्हें हर कदम पर समझाती रहूंगी। माँ लोगों का हक होता ही है ना गुंजन। गुंजन क्या कर रही है, अभी गाड़ी की टक्कर हो जाती। प्लीज प्लीज धीरे चला मेरी माँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब इस गाड़ी को ना हम नई नवेली दुल्हन की चाल में चलाते हैं। ये लो फिर।
ता थे तत थे ता थे तत थे। आराम से गुंजन, आराम से। क्या कर रही है गुंजन? गुंजन क्या कर रही हो मैं? आराम से। लिसन गाइस, लिसन शूश, तुम लोगों की जान की फिक्र है मुझे, इसलिए बस जस्ट ट्रस्ट मी ओके। वैसे भी इतनी खाली सड़क हो और मैं उस पे स्पीड में नहीं चलाऊं तो मेरी गाड़ी की इंसल्ट हो जाएगी, समझे? So true, true, true. Listen, listen, मैं तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई। वो क्या? मैंने ना कथक क्लास ज्वाइन की है। कथक और कथक? कब है शो? 19th को। उसमें तो 4 दिन बचे हैं। 4 नहीं, 5। अरे आज 15th है। करे बस आधा घंटा और 16 शुरू हो जाएगी। ओ नो 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 नो, आउच, ओ हेल, क्या हुआ? ओ गॉड, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं कैसे भूल गई? कल मेरी मॉम का बर्थडे है। गजरे, मामा हर साल अपने बर्थडे पर मोगरे वाले गजरे पहनती हैं, इस साल भी पहनेंगी। लेट्स गो गाइस। तो चलो, आज तेरी मॉम के गजरे लेके ही आते हैं। मेरी गुंजन के लिए, जिसने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए, थोड़ा और जी लेने का लालच दिया। हमेशा अपनी धुन गुनगुनाते रहना, तुम्हारी मामा। कमॉन गुंजन, वो कब की घर चली गई होगी? कितनी रात हो गई है? गुंजन टाइम तो देख यार, तुम्हारे घर भी तो जाना है हमें। लेकिन गजरों के साथ, गजरों के बिना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गुंजन, you mad or what? Yes, I'm mad. मैं ना अपनी मामा की दीवानी हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अरे कहाँ जा रही? Come on, come on, quick, 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 quick. क्या हुआ? बताएगी? गुंजन क्या कर रही है? गुंजन, गुंजन, अरे बस में ठुक जाएगी। गुंजन राइट में रख, गुंजन, गुंजन आराम से। गुंजन, ए पुरी, तुला लायसेंस कोणी दिला? गाडी कशी चालवते? पागल है क्या? कुछ भूल गई क्या? भूल गई थी, लेकिन अब याद आ गया। थैंक गॉड तुम मिल गई। तुम्हें पता नहीं है मेरी मामा को ये गजरे कितने पसंद है, सब दे दो। मेरी सपनों की राजकुमारी, जिसे समझाते सिखाते मैं जीना सीख गई, जिसे सहलाते हंसाते मैंने अपने घाव भर लिए, और जिससे बिछड़ते बिछड़ते मैं उससे और जुड़ गई। जब जब मेरी याद आए हमारी इन यादों को फिर से टटोलना, थोड़ा मुस्कुराना, आ जाओ, आ जाओ, चुप, याद है
इतना सरप्राइज है। चलो चलो केक टेबल पे रखते हैं। ओह माय गॉड, ये सब किसने किया? ये केक, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, सिवाय हमारे तो किसी और को नहीं पता था, तो फिर और कौन हो सकता है? तारा! बर्थडे गर्ल खुद नहीं कर सकती? क्यों? आपने किया? मुझे लगा मेरी गुंजन अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होगी, तो अपने बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्या मम्मा, आप भी ना? क्या गुंजन, तुम भी ना? मेरी छोटी सी गुंजन और उससे भी छोटी जिंदगी ऐसे ही रूठने मनाने में निकल जाएगी। वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। ओए 12 बज गए, स्नेहा दी हैप्पी। एक मिनट, खबरदार जो मेरी मामा को मेरे से पहले विश किया तो मेरी मामा को मैं पहले विश करूंगी। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मामा इन द होल वर्ल्ड। एक मिनट, एक मिनट। मामा, आपके फेवरेट गजरे। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे इनकी खुशबू बहुत पसंद है गुंजन। जानते हो चाय में जैसे चीनी होती है और गोलगप्पे में चटनी, वैसे ही मेरी गुंजन मेरी जिंदगी में। यू मीन चटपटी भी और मीठी भी? यस। चलो चलो आप सब लोग केक कट करते हैं। Happy birthday to you! Happy birthday to you! But mama, एक चीज तो मैं भूल ही गई। अब क्या? क्या? आपका gift. बट आई प्रॉमिस, कल ना मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी मामा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। इस साल मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरी बेटी मेरे पास है, चहकती मुस्कुराती रहे, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। और वैसे भी इस साल गिफ्ट के कायदे थोड़े अलग हैं। मतलब? वो क्या है? अपने इस बर्थडे पे मैं गुंजन को गिफ्ट दूंगी। वाओ! गिफ्ट देंगी? यस, वन मिनट। Wow, ये तो बढ़िया है। वाह, मॉम के बर्थडे पे बेटी को गिफ्ट, वेरी गुड। रेडी? या! इसमें क्या है मामा? सरप्राइजिंग। लेकिन तुम इसे अपने बर्थडे तक नहीं खोलोगी। ये तो चीटिंग है मामा, फिर उसमें क्या मजा है? अरे इंतजार में भी तो मजा है। प्रॉमिस करो तुम इसे बर्थडे पर ही खोलोगी। फाइन, प्रॉमिस, प्रॉमिस। ओके। आपको पता है मामा, आप ना बिल्कुल सपनों वाली मामा हो। जैसे मामा के लोग सपने देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी। और मेरे पास तो आप असल में हो। आपने मेरी जिंदगी को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई लव यू मामा। आई लव यू टू गुंजन। अरे गाइस सेंटी मत हो, लेट्स रॉक द पार्टी। एक मिनट, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? आपकी बिंदी टेढ़ी है। ये लो, ठीक हो गई। Mahin
हे प्रभु, हमारे इस घर संसार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, इस पर कभी कोई आंच ना है। और हाँ, स्नेहा को लंबी आयु देना, सुख सेहत और सफलता से उसका जीवन हमेशा हरा भरा रहे। मुर्गा बोला कुकड़ू को, नींद को करो उड़न छू, डोलू उठो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जल्दी उठो। सुनिए, भोर हो गई। स्नेहा आज भी अपनी बिंदी टेढ़ी ही लगाती होगी। आज हमारे फुलझड़ी के जन्मदिन पर उसे बधाई तो अभी फोन करें। वहां पर सब देर से उठते हैं, उठी होगी क्या? गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग सुराट। हैप्पी बर्थडे। आज मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? क्योंकि आज आपका बर्थडे है और मैं आपका बर्थडे स्पेशल बनाना चाहती थी। अरे वाह, मान गई ना मुझे? यस। आज सूर्य देवता भी हैरान होंगे कि लेट लतीफ लड़की इतनी जल्दी कैसे उठ गई। किसी का फोन आया था? राजकुमारी जी, आपके राजकुमार का फोन अभी तक नहीं आया। जानती हूँ, और पापा इतनी जल्दी फोन करेंगे भी नहीं। वो जानते हैं इस घर में कोई जल्दी नहीं उठता। जैसी माँ वैसी बेटी। मैं ये सोच रही थी कि शायद समझी, आप उनके फोन का वेट कर रही है ना? सॉरी मम्मा, उनका फोन नहीं आया। अभी सिर्फ 8 बजे हैं गुंजन, हो सकता है कि वो कुछ देर में फोन करे या अब। भूल जाओ ना मम्मा, आप अपने बर्थडे पर अपने आप को उनकी वजह से क्यों दुख देती हैं? वो ना, वो लायक ही नहीं है आपके इस प्यार की, इस याद की, इस she doesn't deserve it मम्मा। नहीं गुंजन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है बेटा। अगर शैल दीदी हमें फोन करेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूं दीदी बहुत अच्छी है, और जितना प्यार मैं उनसे करती हूं उतना ही प्यार वो मुझसे करती है। और एक बात बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? देखो ना गुंजन, बुढ़ापा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देखना, कहीं सफेद बाल तो नहीं आए? अरे सफेद बाल आए नहीं आए,
मेरी मामा के बर्थडे ना आते ही रहेंगे। प्रणाम बड़ी भाभी जी। प्रणाम, खुश रहो। दूध ले आई? जी भाभी जी, चलो अब जल्दी फुर्ती दिखाओ। हमारे लिए फीकी चाय, सहब गोपाल और प्रभु भाई साहब के लिए केसर वाला दूध, दोनों बहुरानियों के लिए कड़क चाय और रचना के लिए दूध बना दो। और हाँ, भूलना मत वो बदमाश डोलू के लिए ना मलाई निकाल कर दूध देना। जी भाभी जी, सब मालूम है। ये रचना उठी कि नहीं? अरे वो तो कब की उठ गई, और सुबह सुबह डोलू भैया के साथ कहीं गई है। क्या, ये बिना बताए कहाँ चली गई रचना? दीदी रुको, इतनी स्पीड से मत भागो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। वो देख पीछे दामोदर है, उसने काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लगेंगे, वो भी पेट में। अब चलो जल्दी। दीदी रुको, अब मैं और नहीं भाग सकता। दामोदर, तुम अच्छे डॉगी हो ना? ढोलू भैया, कैसे भी करके हमसे दूर रखो, बस एकदम दूर। दामोदर, चलो अपने घर जाओ। भाग गया दीदी। प्रणाम गौ माता, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये लीजिए, पहले रोटी ग्रहण करें। ढोलू भैया, देखना कुत्ता फिर हमारे पीछे ना आ जाए। दुष्ट कहीं का। दीदी, कुत्ता भाग गया, अब घर चलो, मुझे सुसु आ रहा है। रुक कर रखो ना थोड़ी देर। माता, पहली बार आपसे कुछ मांग रहे, निराश मत कीजिएगा, हमें एग्जाम में पास करा देना। दीदी चलो ना घर, सुसु जोर से आ रहा है। ढोलू भैया। माता, एक और डर है, अगर हमारे एग्जाम में कम मार्क्स आए तो पापा हमें कॉलेज नहीं जाने देंगे, पीयू दीदी की तरह हमारी भी शादी कर देंगे। ऐसा मत होने दीजिएगा ना, प्लीज। दीदी, मेरी चड्डी गीली हो जाएगी। ढोलू भैया, भाई बहन की रक्षा करता है ना, एक मिनट रुक जाओ ना, प्लीज ढोलू भैया। अब माता, बस एक फेयरवेल पार्टी वाली बात बाकी है, हम ना थोड़ा अच्छा दिखना चाहते हैं। पता है, पहली बार साड़ी पहनने वाले, मम्मी मदद करेंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद हो तो सब खुशल मंगल निपट जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। बस अब मैं जा रहा हूँ। जरूर स्नेहा का होगा, पता नहीं क्यों अचानक इतने सालों बाद उसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो स्नेहा।
क्यों चौंक गई ना? हमारा इरादा भी यही था कि हम ऐसे अचानक तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बधाई दें। यकीन नहीं हो रहा ना? आज बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का, भगवान ने मेरी सुन ली और कनेक्शन जोड़ लिया। सच्ची बात दीदी, और क्या कनेक्शन है। मेरा मन कह रहा था कि आप वो... एक मिनट, सबसे पहले हमें ये बताओ, अचानक कैसे याद किया हमें? दीदी आपको एक बात बतानी थी जो सिर्फ हमें और आकाश को पता है। अरे वाह, क्या बात है, इतने सालों बाद हम फिर से वासी बनने वाले हैं। इसे कहते हैं जीना। नहीं, मरना। क्या? हम मर रहे थे। आज के दिन कैसा बड़ा मजाक कर रही हो तुम। काश ये मजाक होता। लेकिन नहीं दीदी, यही सच है, हमें कैंसर है। कैंसर? हाँ दीदी, और अब हम कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे चले जाने के बाद आप गुंजन को अपने साथ ले जाएंगी, उसे बनारस ले जाएंगी, उसे पालेगी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, और फिर रचना और गुंजन एक उम्र के ही तो है। बस आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारी बच्ची को अपने साथ बनारस लेकर जाएंगे। वादा कीजिए दीदी, आप उसे अपने साथ ले जाएंगे, अपने पास रखेंगे, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। मामा, गुंजन, गुंजन, दीदी, दीदी,